भारत खान पान का भंडार है। यहाँ हर रसोई में पारंपरिक एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है। इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है। यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एकमात्र खोज है। स्वाद का यह प्रयत्न आपको इडली के विभिन्न प्रकार के रुचि से वाकिफ कराना है। यह चैनल वैसे ही कुछ व्यंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। सैंडविच इडली पकौड़ा। इडली के साथ आलू मिला के सैंडविच इडली पकौड़ा कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। आवश्यक सामग्री: आलू 3, हल्दी 2 चम्मच, हरी मिर्च 10 ग्राम, गरम मसाला 1 चम्मच, गाजर 1, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती 5 ग्राम, इडली 4, बेसन 100 ग्राम, अजवाइन 1 चम्मच, तेल आवश्यकता अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। बनाने की विधि: सबसे पहले बाउल में 3 उबला हुआ आलू डालें और अच्छे से मैश करें। उसमें हल्दी, हरी मिर्च, गरम मसाला, कस किया गाजर, नमक, धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिला ले। अब पहले से तैयार इडली पे इस मिश्रण को डालें और ऊपर से एक और इडली डालें। ऐसे ही और एक बना लें। अब इसके बीचों बीच टूथपिक डालें और साइड में रखें। दूसरे बर्तन में बेसन डालें, उसमें अजवाइन, नमक डाल के मिलाएं और तेल, लाल मिर्च डाल के मिला के, पानी डाल के खोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें और इडली को बेसन में लपेट के तेल में डालें। इसे डीप फ्राई कर लें। सुनहरा होने पे एक प्लेट में निकालें और चटनी के साथ परोसे। हो गया सैंडविच इडली तैयार। तो ये इंटरेस्टिंग रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करें। और ऐसे ही कुछ और अनोखे रेसिपीज के लिए हमारे चैनल स्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।